हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये है मैकेनिक का D75T माइक्रोस्कोप, इसकी हम करने वाले हैं आज रिव्यू। तो दोस्तों हम इसको आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या निकलता है, किस तरीके से आपको सेट करना होता है और ये किस तरीके से इसका बेस होता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए यही सब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको पहले ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम देख लिए इसको करते हैं ओपन, और यहाँ से हमको मिला है इसका, देख लीजिए ऊपर की तरफ रखा हुआ है इसका बेस, जो माइक्रोस्कोप का बेस है मैकेनिक का, यहाँ पर ये बेस रखा हुआ है। तो देख लीजिए ये यहाँ पर ये लिखा भी है D75T न्यू। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक मिलती है, यहाँ पर बुक मिलती है जिसमें कि इसके पूरे इंस्ट्रक्शन हैं कि आपको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से सेट करना है। तो आप इसको भी देख कर अपना सेट कर सकते हैं और चला यूज़ कर सकते हैं। इसको भी रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम देखो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ये रखी हुई है ये देख लीजिए, इसको हम आपको बाद में दिखा देंगे। ये रबर रखी हुई है, इसकी आँख को लगाने के लिए होती है, जहाँ पर लेंस आप देखते हैं वहाँ पर इसको लगाने के लिए होती हैं। तो देख लीजिए अब अंदर की तरफ हमने इसको देखा, तो यहाँ पर हमें पूरा माइक्रोस्कोप का सेटअप दिख रहा है कि क्या क्या इसमें मिलता है हमें। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एक एक चीज़ को निकालते हैं और अलग रखते हैं, फिर इसको हम लगाएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लीजिए माइक्रोमेन माइक्रोस्कोप है इसका, जिसमें हमारा CCTV लेंस लगता है और जिसमें हमारे लेंस लगे होते हैं जिससे हम देखते हैं। देख लीजिए D75T और ऊपर भी लिखा हुआ है इसको, तो इसको यहाँ पर हम फिलहाल अभी रख देते हैं। और यहाँ पर हम इसका निकालते हैं कॉलम पहले, जिस पर हमें बेस पर सेट करना होता है। ये कॉलम है इसका, और यहाँ पर देख लीजिए ये आई लेंस है जिससे आप देखते हैं, दोनों ही लगे हुए हैं। और यहाँ पर इसकी बीम है ये, तो इनको हम एक एक करके निकालते हैं बाहर की तरफ और इसको सबको रखते हैं और सेट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये भी हमको ये CCTV लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर इसको खोल कर दिखाते हैं आपको। यहाँ CCTV लेंस है, इसको आप कैमरा लगा सकते हैं, कैमरा लगाने के लिए होता है इसमें। आप इसको सेट कर देंगे तो कैमरा इसमें लगा सकते हैं आप। तो इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम यहाँ चीज़ को निकालते हैं, अलग रखते हैं। अब ये देख लीजिए हम लेंस है हमारा, जो हम लाइट अगर यूज़ ना करें तो इसमें लेंस लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमारी लाइट है, ये लाइट है जिसको हम लगाते हैं माइक्रोस्कोप के बिल्कुल नीचे, लेंस के नीचे लगाते हैं। यहाँ पर इसमें एक लेंस भी लगा होता है जिससे कि हमारी डस्ट वगैरह लेंस में ना पहुँचे। और यहाँ पर ये इसकी USB केबल दी होती है जिससे हम चार्जर से या पावर बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम रख देते हैं इसको एक तरफ। तो दोस्तों देख लीजिए हमने सारे सामान इसका जो भी है माइक्रोस्कोप का पूरा सब निकाल लिया है बाहर। अब इसको हम करेंगे माइक्रोस्कोप को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रख देते हैं। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसके जो बेस है इस पर हम कॉलम सेट करते हैं। यहाँ पर कॉलम थोड़ा काफ़ी वजन होता है इसमें, तो यहाँ पर इसको हम सेट कर देते हैं। इस तरीके से सेट कर देंगे कॉलम को, हम इसको भी कस देते हैं जहाँ पर आपको सेट करना हो माइक्रोस्कोप, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको यहाँ से। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर इसको कॉलम को सेट कर दिया है दोस्तों। अब माइक्रोस्कोप को हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसको हम यहाँ से लगा हुआ है, इसमें कवर लगा हुआ है, इसको यहाँ से हम खोल लेते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर खोल लिया, यहाँ पर देख लीजिए लेंस लगा होते हैं अंदर भी। तो यहाँ पर जो हमें लेंस लगाना है वो 5x लेंस है, क्योंकि हमें इसमें लगाना है, इसमें साथ में मिलता है माइक्रोस्कोप के, तो हम इसमें लगा देते हैं। देख लीजिए हमारे पास 5x का लेंस है जो हमें इसमें लगाना है। और यहाँ पर इसमें इस तरीके से कस जाता है ये, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी लगाने में, यहाँ इस तरीके से आप लगा सकते हैं। हाँ, इस तरीके से इसको लगा देंगे तो ये लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो इसको लाइट नहीं लगा रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको लेंस दिया होता है जो वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप लाइट लगाएंगे तो लाइट लगा सकते हैं। तो लेंस दिया हुआ था इसका, तो यहाँ पर ये लेंस लगा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप लेंस लगाना नहीं चाहते तो इसमें यह है कि आप इसको ना लगाएं, तो इससे ये होता है कि आपको डस्ट वगैरह कोई चीज़ धुआं वगैरह है वो इसमें अंदर नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो लाइट होती है उसमें भी यहाँ पर जो है कि इसमें लेंस में लगा होता है जिससे कि यहाँ पर कोई नुकसान लेंस को ना हो। दोस्तों अब इसमें हम लगाते हैं, यहाँ पर इसकी लाइट दी हुई है, ये लाइट है ये, और इसकी लाइट है और इसमें यहाँ पर USB चार्जर लगता है इसमें, इससे ये चलती है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से, इसमें हम लगा देंगे। इसमें भी गिलास लगा होता है जिससे कि हमें हमारे लेंस में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोप यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से हो गया रेडी।
अब हम इसको यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। लगाने के लिए पहले हमें दोस्तों इसकी बीम लगाना पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो बीम है, ये बीम है इसकी, यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। देख लीजिए इसको इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ कर देंगे तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर सेट हो गई, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे। तो देख लीजिए थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देते जिससे कि आपको सही से दिखे। तो देख लीजिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर मेन माइक्रोस्कोप को यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है जिससे हम इसको कस देंगे ताकि ये ढीला ना रहे। यहाँ पर लगा देते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर इसको मेन माइक्रोस्कोप को लगा दिया है। यहाँ पर हमें इसके कवर हैं, इसको हटाना है, और यहाँ पर हमें आई लेंस लगाना है जो हमें दिए होते हैं। ये देख लीजिए दोनों हमने यहाँ से हटा दिए हैं। हटाने के बाद इसको अलग रख देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमें ये लेंस दिए हुए हैं आई लेंस जिनसे हम देखते हैं, इनको भी हमें सेट करना होता है। जिस तरीके से आप देखेंगे, आपको जहाँ पर सेट हो रहा है वहाँ पर देखना और सेट करना होगा। तो ये लेंस भी हम इसमें देख लीजिए करके यहाँ पर लगा देते हैं। इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 10x25। और यहाँ पर लगा देते हैं इसको, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं आसानी से। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर इसको लगा दिया, और दूसरा वाला भी लेकर इसी तरीके से लगा देंगे। देख लीजिए दो दिए होते हैं इसमें, यहाँ पर इसको लगा देते हैं, इस तरीके से लगा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर हम दोनों लेंस को इस तरीके से लगा दिया है, तो ये लग गया है और ये हमारा माइक्रोस्कोप रेडी हो गया है। अब इसकी जो दोस्तों देख लीजिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप हमारा रेडी हो गया है। पूरे तरीके से हमने इसको लगा दिया है, जिस तरीके से माइक्रोस्कोप सेट किया था पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब हमारे यूज़ के लिए तैयार है ये। तो दोस्तों अब इसमें हमें जो लाइट की केबल दी गई है, इसमें केबल लगा के किस तरीके से लगाना है तो देख लीजिए, आपको हर तरफ से दिखाते हैं। इस तरीके से लगता है कुछ भी उसका। दोस्तों लाइट की केबल जो है, अब हम लगा देते हैं इसको, यहाँ से इसको खोल के लगा देते हैं केबल। केबल आपको पावर बैंक में लगा सकते हैं या कोई चार्जर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ हमारा इसका चार्जर लगाने का है सिस्टम। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने लगा दिया इसको, और यहाँ पर हम किसी चार्जर में लगा देते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास जो आपको दिखाया था हमने, यहाँ पर आई कैप होते हैं लगाने के लिए, जो लगाएंगे जिससे कि आप देख सकते हैं सही तरीके से वो आप लगा सकते हैं। इसमें दो तीन प्रकार के दिए होते हैं ये। तो यहाँ पर जो देख लीजिए दो तरीके के इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो हमको सही लगता है वो लगाएंगे, आपको जो सही लगता हो आप लगा सकते हैं। तो देख लीजिए एक इस तरीके से दिया हुआ है, और एक ये इस तरीके से लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये और दूसरे तरीके से दिए होते हैं इसमें। तो देख लीजिए हमको ये सही लग रहा है, तो हम इसको ये लगा देते हैं। इस तरीके से आप लगा देंगे तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप हमारा रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से लाइट होती है, उसमें आपको प्रेस करना होता है, की प्रेस करना होती है। इसमें वन टाइम प्रेस करेंगे थोड़ी लाइट हल्की जलती है, दोबारा प्रेस करेंगे और तेज़ जलती है, दोबारा प्रेस करेंगे और तेज़ जलेगी। तो इस तरीके से आप उसको लगाकर चेक कर लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए अब हम इसको आपको व्यू दिखाते हैं किस तरीके से इसका व्यू आता है। तो देख लीजिए ये बिल्कुल यहाँ पर ये रेडी है, और हम आप यहाँ पर एक बोर्ड रखते हैं, बोर्ड रखने के बाद आपको दिखाते हैं इसका जो किस तरीके से दिखाई देता है इनको ये। तो देख लीजिए हमने एक बोर्ड रखा है यहाँ पर, उसको हम देख रहे हैं। तो देख लीजिए इस तरीके से कुछ व्यू दिखाई देता है इसका बोर्ड का। इसमें आप जूम कर सकते हैं, और भी जूम कर सकते हैं, इसको फोकस कर सकते हैं। जूम के लिए अलग दिया होता है, फोकस के लिए अलग दिया होता है। जूम करना है तो जूम करेंगे, अगर फोकस ख़राब हो रहा है तो आप फोकस मिलाएंगे इसका यहाँ पर। तो देख लीजिए इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर जूम किया इसको, यहाँ पर जूम किया, और जूम करने के बाद यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है इसका।